मुझे ये बताइए, हमारे साथ चूंकि कैप्टन किरण भी हैं, कि ये जो टेस्ट हैं ये बनाता कौन है? क्या ये कोई इंटरनेशनल इदारा है बना रहा है, किसी जगह कोई इंस्टीट्यूट बना रहा है, या आप लोग इंटरनल आप लोगों का कोई सिस्टम है इनको बनाने का? थैंक यू उषा, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन. थोड़ा सा आपको भी माइक से करीब होना होगा, थोड़ा सा माइक को अगर ऊँचा कर लें. जी प्लीज. ऑलराइट, सो दीज टेस्ट्स दे आर एम्पिरिकली बेस्ड, दे आर रिसर्च प्रूवन, एंड दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेसिस ऑल्सो. ये हमारे क्लासिकल टेस्ट्स हैं डेफिनेटली, जो हम अपने ISSB में यूज़ कर रहे होते हैं. देर आर सर्टन टेस्ट विच आर कंसीव्ड फ्रॉम देयर थ्योरेटिकल बेसिस. देर आर फ्यू टेस्ट जिसको हमने इंडिजिनसली डिवेलप किया हुआ है. डेफिनेटली द प्रोसेस ऑफ टेस्ट डिवेलपमेंट ऑल्सो गोज थ्रू सम एम्पेरिकल प्रोसेस, जिसमें हम इसकी पायलटिंग भी करते हैं, उसके बाद हम इसकी एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं. एंड वंस द टेस्ट गोज थ्रू ऑल द प्रोसीजर्स ऑफ देयर स्टैंडर्डाइजेशन, एंड वंस द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट इज एस्टैब्लिश्ड, देन वी इम्प्लीमेंटेड ऑन द कैंडिडेट्स एट ISSB. सो दीज टेस्ट डेफिनेटली, दीज टेस्ट आर वेरी मच स्टैंडर्डाइज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. जैसे टेम्प्रेरी आर्मीज की सिलेक्शन के लिए जो पर्सनालिटी असेसमेंट है वो यूज़ हो रही है, वी यूज़ दैट द सेम स्टैंडर्ड्स. अलॉन्ग विद दैट, इसकी जो असेसमेंट के प्रोसीजर्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी मच स्टैंडर्डाइज्ड. हर कैंडिडेट की जो असेसमेंट है इट इज़ वेरी मच इंडिविजुअलिस्टिक, एंड एट द सेम टाइम इसकी जो असेसमेंट हम करते हैं टेस्ट की, इट इज़ बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव असेसमेंट प्रोसीजर्स. इसमें हम डिफरेंट जो थीम्स अराइज हो रही होती हैं कैंडिडेट के डोजियर में, और उसके कॉन्टेंट जो कैंडिडेट प्रोड्यूस कर रहा है उसका हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं. जो थीम्स इमर्ज होती हैं उस पर हम कैंडिडेट की पर्सनालिटी का एक यू कैन से एक इमेज डेवलप करते हैं, दैट द कैंडिडेट अपीयर्स लाइक दिस ऑन डोजियर थ्रू द कॉन्टेंट दैट द कैंडिडेट इज प्रोड्यूसिंग ऑन द डोजियर.